तो दोस्तों ये उमंग कंपनी का 220 मॉडल है और इसमें जो नई टेक्नोलॉजी अभी आई है ऑटोमेटिक वायर कट सिस्टम लगाई है कंपनी ने। 3 साल से कोशिश कर रहे थे जो कि अब जाके सक्सेसफुल हो गया है। मीटर में भी इन्होंने चेंजेस किए, मीटर में भी वायर कट सिस्टम के प्रोग्रामिंग और कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स डाले हैं। और इधर आप देख सकते हैं वायर कट सिस्टम के लिए एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हाई स्पीड की जो खासियत है, हाई स्पीड में रनिंग तो सब कंपनियां अच्छे तरीके से वाइंडिंग कर लेती है स्टार्टिंग में, जैसे 500 टन स्टार्टिंग में सब कंपनियों के तो प्रॉपरली डल जाते हैं, मगर प्रॉब्लम आती है रनिंग में 550 टन कोई कंपनी की मशीन नहीं डाल पाती हाई स्पीड के पंखे में। तो मैं आज इसमें डाई सेटिंग कैसे होगा, वाइंडिंग कैसे होगा, वो सब बताने वाला हूँ। और जो अपग्रेड सिस्टम है वायर का सिस्टम, वो भी हम लोग आज टेस्ट करेंगे इस मशीन में कैसा काम करता है। यानी ऑटोमेटिकली वायर कट, अगर वायर टूट जाता है तो ऑटोमेटिकली मशीन रुक जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बनते हैं, वीडियो में पूरी जानकारी देखेंगे हम। हमारी डाइया है हाई स्पीड की, ठीक है, 5 नंबर की डाइया है। ये अंदर स्टार्टिंग वाइंडिंग करेगी, ये रनिंग वाइंडिंग करेंगी। रनिंग वाइंडिंग की आप डाई देख सकते हैं किसी अलग बनाई हुई है कंपनी ने थोड़ी सी, ठीक है। प्रॉपर काम करती है, एग्जैक्ट काम करती है। अब जो कि हम वाइंडिंग करेंगे, डाई सेटिंग करेंगे, कैसे इसको इस्तेमाल करना होता है, कैसे डाई सेट करना होता है, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। पकड़ना उस कैमरे को थोड़ा इधर, कुछ नहीं हमें ऐसे उठाना है। यहाँ पे फिट कर देना है, ठीक है। ये जो चोच है ऊपर वाले इसमें जाएगी, ऊपर रहेगी, ठीक है। अब ये जो डाई है, ये हमारी डाई हो चुकी है फिट, डाई हमारी फिट हो चुकी है। मैं आपको पास से भी दिखा देता हूं, ठीक है। डाई जो है हमारी फिट हो गई है, देख सकते हो ऊपर से भी नहीं कॉर्नर दिख रहा है, नीचे से भी कॉर्नर नहीं दिख रहा है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हाथ रख के इसको हल्का सा हम टाइट कर देंगे, हल्का सा, ये हो गई हमारी डाई सेट फिट। उसी तरीके से हम उस साइड की डाई फिट कर देंगे, बहुत इजी है डाई फिट करना। उसी तरीके से उस साइड की भी डाई हमने फिट कर दी है, दोनों साइड डाई फिट हो गई है हमारी। अब जो है हम वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। 500 और 550 टन इसमें हम अपलोड करने वाले हैं लाइव, ठीक है। अब जो है हम मशीन को यहाँ पे मशीन को सेट करते हैं, मशीन में टर्न्स अपलोड करते हैं 500। 36 नंबर का वायर है, 500 टर्न्स हम इसमें अपलोड करेंगे। और वायर में कहीं भी अगर चुड़ी आई तो ये ऑटोमेटिकली मशीन स्टॉप हो जाएगी, आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है। ये 500 टर्न्स हमने अपलोड कर दिए। अब जो है हम लोग इसको इसमें ये चीज मैंने देखो, ये चीज को मैंने सेट नहीं किया, तार इधर जाके अड़ रहा है, ठीक है। एक सेटिंग और करनी होती है इस चीज को, हमको यहां पे रखना होता है डाई से 2 mm की दूरी पे। फ्रेंड नीचे करके बताना कैमरे को ऐसे नीचे, हाँ। ये हमारी डाई सेटिंग हो गई कंप्लीट। अब जो है तार हमारा जो है प्रॉपरली अंदर जाएगा, ठीक है। अब जो है हम मशीन को ऑन करते हैं, हमने मशीन को ऑन कर दिया और आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है वाइंडिंग अंदर ही जा रही है, प्रॉपर तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से फिनिशिंग से वाइंडिंग हो रही है हमारी। जो कॉइल है एकदम प्रॉपरली अंदर जा रही है। मान लीजिए अगर थोड़ी सी भी छुट्टी आती है इधर साइड में, तो ये वायर कट सिस्टम इसे पकड़ लेगा और ब्रेक मार जाएगा ऑटोमेटिकली। मान लीजिए तार अगर टूटता है तो भी ब्रेक लग जाएगी। ये हमारे टर्न्स हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो मैं आपको अब दूसरा कॉइल दिखाता हूं। ये हमने थोड़ी है ये दूसरे कॉइल में, ठीक है। अब जो है इसे हम
यूएस में घुमा देंगे। और ये हो गई हमारी मशीन स्टार्ट। अब देख सकते हैं जो पहली कॉइल डली है हमारी कितनी चौकोन और छोटी कॉइल डली है, और यह 500 टन चले हुए 500 टन पे लेगी, ऑटोमेटिकली ये ब्रेक मारेगी। देख सकते हैं कि 500 टन पे ऑटोमेटिकली उतने टन पे रुक गई है, ठीक है। कॉइल जो है हमारी पूरी चौकोन बन रही है। मैं स्टार्टिंग कॉइल पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ, रनिंग आपको दिखाता हूँ। रनिंग में ही ज्यादा कर हर मशीन में रनिंग में प्रॉब्लम आता है, सॉरी स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग तो कंप्लीट हो जाए, रनिंग में 550 टन अपलोड नहीं हो पाते, मगर इस मशीन में मैं आपको 550 टन अपलोड करके दिखाऊंगा। अभी मैंने अंदर 500 टन डाले हैं, अब इसके बाद में मैं आपको रनिंग का वीडियो दिखाऊंगा, पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, लॉन्ग वीडियो ना हो जाए इसलिए मैं इसको अभी स्किप करूंगा। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कितने टन पे ये काम कर रही है। तो दोस्तों हमारे जो है आखिरी कॉइल पे हम पहुंच चुके हैं, मगर हमारी जो वायर है एक भी बार टूटी नहीं है, तो ऑटो कट सेंसर अभी तक काम नहीं किया है हमारा, अभी तक हमारी एक भी बार तार टूटी नहीं है चलते हुए। जब टूटती है जब ही ऑटो कट सेंसर काम करता है, वो ऑटोमेटिकली ब्रेक मार देता है, ठीक है। तो ये आखिरी कॉइल मैं अपनी स्टार्टिंग 6+6 के स्टेटर में डाल रहा हूँ, ये आखिरी कॉइल अपलोड हो रही है। आप लोग देख सकते हैं कितने फिनिशिंग से इसने कॉइल बनाई है, देख सकते हैं कितनी छोटी और चौकोन कॉइल है, ठीक है। अब ये रही बात स्टार्टिंग की, हम रनिंग में देखेंगे। रनिंग में 550 टन अगर इस मशीन ने अपलोड कर दी तो अभी तक की सबसे पहली मशीन होंगी जो हाई स्पीड के पंखे में 550 टन रनिंग में अपलोड कर दे और ऑटो कट सेंसर के साथ में आ रही है, यानी कि मान लो तार टूटा वही रुक जाएगी, एक भी टन ये नहीं लेगी, एक भी टन ज्यादा नहीं घूमेंगी। तो आपको दिखाता हूं मैं इसकी रनिंग कॉइल वाइंडिंग करके। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग कंप्लीट कर ली, अभी रनिंग वाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे टर्न्स बढ़ा दे रहा हूं, इसको कर दे रहा हूं 550 टन। ये हो गए हमारे 550 टन, ऊपर के हो गए रिसेट। अभी इधर दिखाना, डाई को हमें अब फिट करना होगा। ऊपर की जो डाई होती है उसको बहुत अच्छे से फिट करना होता है। डाई हो गई हमारी सेट। यहां से 500 भी दिखा देता हूं मैं आपको, हमारी डाई जो है फिट हो गई है, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है मैं इधर वायर जो है बांध रहा हूं, इसे मैं रिसेट कर दिया, एक टन्स मैं हाथ से घुमा के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये हमारे टन्स चलेगा अंदर, ये मैंने शुरू कर दी मशीन, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि टन्स हमारे जो अंदर जा रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं 300 टन्स अपलोड हो गए हैं। मशीन में डालना है 500 टन्स कंप्लीट, 550 टन्स, ठीक है। 550 टन कम्प्लीट हो गए, और ये गौर से देखो एक भी टन हमारा बाहर नहीं आया, ठीक है, एक भी टन हमारा बाहर नहीं आया, पूरे टन अंदर है, ठीक है। यह देख सकते हैं आप लोग, पकड़ना बस। अब मैं आपको इसके ऊपर की वाइंडिंग कर एक दूसरी कॉइल डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए आप देख सकते हैं 5 से भी एक भी टन हमारा ऊपर नहीं आया है, ठीक है। स्टैम्पिंग जब आड़ी तेड़ी हो ना तो अंदर जाने में कभी कभार प्रॉब्लम करती है, ठीक है। कुछ नहीं करना, इधर से डाई को पकड़ना है, इधर से स्टेटर को पकड़ना है, ऐसे ही हिलाना है, ठीक है। ये चला जाएगा अंदर स्टेटर हमारा, ठीक है। अब जो है इसको रिवर्स में घुमाएंगे, ये कर देंगे शुरू, ठीक है। अब पहले जो कॉइल डली हमारी 550 टन पूरी एग्जैक्ट अंदर गई है, अभी दूसरी कॉइल डल रही है 550 टन सेट किए हुए, पूरे एग्जैक्ट अंदर जाएगी, एक भी टन बाहर नहीं रहेगा, एक भी टन बाहर नहीं रहेगा, पूरे 550 टन अंदर जाएगी। एक एक लौती मशीन है उमंग कंपनी की जिसमें 550 टन पूरे अंदर जाते हैं, नहीं तो दूसरी मशीन में क्या होता है, आपने अगर 400 टन 480 टन तक ही जा पाती है रनिंग कॉइल में, मगर इसमें 550 टन पूरे अंदर जाएंगे। और भी गैप है, 600 डालना 600 भी डाल सकते हैं,
देख सकते हैं गैप और भी है, 600 भी डाल सकते हैं, मगर 550 तक हम लोग अपलोड कर रहे हैं जो कि इसका ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, अभी घूमने वाली है मशीन इधर, आप देख सकते हैं, पास से दिखाना, देख सकते हैं कि पूरे कॉलेज अंदर है पूरी एग्जिट। ये देखिए पूरे कॉइल एकदम फिनिशिंग के साथ, ऐसा भी नहीं फिनिशिंग कोई खराब हुई है, फिनिशिंग के साथ पूरे कॉइल अंदर जा रहे हैं। वायर टूट भी नहीं रहा है, वायर टूटेगा ऑटो कट सेंसर लगा हुआ है वो ऑटोमेटिकली सेंस कर देगा और मशीन को वही रुका देगा। ठीक है, 550 टन हो गए, ब्रेक मार दी मशीन ने, अब जो है इसको मैं चेंज करूंगा इधर से। हाँ ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में प्रॉपर तरीके से वाइंड हो रहा है पंखा, देख सकते हैं कि कितनी चौकोन कॉइल है, कितनी फिनिशिंग के साथ है। इधर तो दुकान होती है, छतरी की देखा तू छतरी है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है पूरा स्टेटर वाइंडिंग कंप्लीट हो गया, 550 टन अपलोड किया हमने। ठीक है, उसे निकालने में तार टूट गई, पकड़ना तो हमने पूरे 550 टन हम लोगों ने कंप्लीट किए इसमें। ये आप देख सकते हैं, फिनिशिंग भी देख सकते हैं आप लोग, 550 टन आपके सामने लाइव डाले हैं और कॉइल की फिनिशिंग देख लो, एक भी तार बाहर नहीं होगा, पूरे कॉइल पूरे अंदर है। ठीक है, तो अगर जो भी इस मशीन को परचेस करना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है। और वायर कट सिस्टम को चेक करके मैं आपको बताता हूँ, वायर कट सिस्टम के लिए एक काम करता हूँ, अभी तो स्टेटर नहीं लगा है, वायर कट सिस्टम को मैं ऐसे निकाल के चेक करके बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये हमारी मशीन घूम रही है, ये मान लेते हैं हमारी मशीन घूम रही है, ये मशीन घूम रही है, इसके अंदर मैंने उंगली डाली और जैसे ही मैं उंगली निकालता हूँ तो ये देखिए बीच में ये रुक गया है। ठीक है, जैसे कि आप सर उंगली रखिए, देखिए ये उंगली रखे, उंगली एक वायर का काम कर रही है, उंगली निकालिए, देखिए उतने में ही वो स्टॉप हो जाती है। वायर का सिस्टम इसमें इस तरीके से काम करता है, हमारा तार एक भी बार नहीं टूटा, इस करके हमारे को वायर कट सिस्टम ने काम ही नहीं किया। अगर वायर टूटता तो जैसे हमारी उंगली ये काम कर रही है ना, जैसे उंगली निकल रही है तो ये स्टॉप हो जा रही है, वैसे ही ये मशीन स्टॉप हो जाती थी। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मशीन को मंगवा सकते हैं घर बैठे। ठीक है,